युवा कांग्रेस ने भागलपुर जिला में किया यंग इंडिया के बोल सीजन 4 का विमोचन। भागलपुर जिला युवा कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता सह भागलपुर प्रमंडल के प्रभारी अमितेश पांडे की उपस्थिति में प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश पर जिला युवा कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यंग इंडिया के बोल सीजन 4 प्रतियोगिता का विमोचन किया गया। यंग इंडिया के बोल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया। भारतीय युवा कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आम और सामान्य पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली युवाओं को राजनीतिक मंच मुहैया कराया जाता है। अमितेश पांडे ने बताया कि जिस दौर में भाजपा नागरिकों की अभिव्यक्ति का आक्रमण कर रही है, उस दौर में युवा कांग्रेस देश के युवाओं को बोलने का मंच प्रदान कर रही है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि आम और सामान्य परिवार के युवाओं को राजनीति से जोड़कर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। पिछले 3 सीजन की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब हम चौथा सीजन शुरू कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के जिला प्रवक्ता विकास सिंह ने कहा कि आज देश महंगाई, बेरोजगारी, सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री, चीनी घुसपैठ, किसान समस्या, गिरती हुई अर्थव्यवस्था जैसे कई अन्य ज्वलंत मुद्दे हैं, किंतु भाजपा सरकार इन असल मुद्दों से देश का ध्यान भ्रमित करने के लिए निरर्थक व उन्मादी मुद्दों को हवा देने का काम करती है। ऐसे में इस प्रतियोगिता का सीजन 4 भी देश के युवाओं की मुखर आवाज बनने का काम करेगा। आदरणीय भागलपुर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल जी, विकास जी, श्री राजेश रंजन जी प्रदेश डेलीगेट, श्री सुनंदा रक्षित जी उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस, रवि कुमार जी इंटक अध्यक्ष, अभिषेक चौबे जी प्रदेश डेलीगेट एवं हमारे मीडिया के साथियों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, भारतीय युवा कांग्रेस एक बार फिर से यंग इंडिया के बोल सीजन 4 लेकर के आई है, जिसके तहत जिस फॉर्म के तहत पूरे देश से जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ता चुने जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, वैसे लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को भरें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। कब होना है, कहाँ होना है जी? यह कार्यक्रम अभी से लेकर के 20 तारीख के अंदर तक सारे फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, जिसके तहत आपको प्रदेश स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में जाना होगा, फिर उसके बाद आपको राष्ट्र स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में जाना होगा, और उसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो सभी को जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ता चयनित किए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है सीजन 4? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है, ये सबसे पहले जानते हैं, ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा लाया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, जिसके तहत कोई भी युवा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वह इस फॉर्म को भरे और अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार प्रवक्ता के पद पर चयनित हो। पार्टी को इससे क्या फायदा होगा? पार्टी को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। अच्छे लोग आगे आएंगे, कई सारे युवा आगे आएंगे जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई उस तरह की उपलब्धि नहीं है, कोई उस तरह का सिस्टम नहीं है जिनके पास, वो सभी युवा यहाँ पे आगे आएंगे। मेरा नाम अमितेश पांडे हुआ, प्रदेश प्रवक्ता बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। हम सभी जानते हैं कि अभी जिस प्रकार से इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में जिस प्रकार से महंगाई है, गरीबों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, और हमारी जो मांग है, सरकार लगातार, हम जितना बोल रहे हैं, विपक्ष लगातार आवाज़ उठाती है, उस मांग को सदन में भी नहीं सुना जाता है, सड़क पर भी हमारे नेता लगातार सदन से संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को सुना नहीं जा रहा है। तो इसी सोच को लेकर जो है यंग इंडिया बोल सीजन 4 के कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, ताकि जो हमारी आवाज़ को जो लगातार सरकार दबाने का प्रयास कर रही है, वैसे वक्ताओं का चयन किया जाएगा जो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को रखेंगे, और अपने बातों को रखने के बाद जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक उनकी जो लगातार आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, लगातार उस पर बात रखेंगे अपना, और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जाएगा। यही हमारा इस यंग इंडिया बोल के 4 के सीजन का यही हमारा उद्देश्य है। मेरा नाम विकास सिंह, युवा कांग्रेस प्रवक्ता, भागलपुर।